रेप पार्टी रे साप विष मामलें फसिले बिग बॉस विनर तथा यूट्यूबर एलिफिस जादव एलिफिस विरोध में आसी साप चोरा चालाणर अभियोग विरोध में मामला रुजू कर नोएडा पुलिस विभिन्न पार्टी आउ क्लब को से साप विष पठाउथिबार अभियोग होइछि। ए मामलें तांक घरे रेड करा सह रेप पार्टी में चढ़ाऊ कर पुलिस मामलें पांच जन को गिरफ्त कर साप विष जबत हो ए घटन प्रतिक्रिया रखिंट एलिफिस जादव वीडियो जारी करी गणमाध्यम जो खबर प्रकाश पाई संपूर्ण भूल ए घटन कौन संप्रति ना विरोध में आसवा समस्त अभियोग भित्तिहीन अभियोग कौन सत्यता ना से पुलिस को समस्त प्रकार सहयोग करने प्रस्तुत अच्छा। रेप पार्टी में साप विष मामलें फसिले बिग बॉस विनर तथा यूट्यूबर एलिफिस जादव एलिफिस विरोध में साप चोरा चालाणर अभियोग आ तांका विरोध में मामला रुजू कर नोएडा पुलिस विभिन्न पार्टी आउ क्लब को से साप विष पठाउथिबार अभियोग होइछि। ए मामलें तांका घरे रेड करा सह रेप पार्टी में चढ़ाऊ कर पुलिस मामलें पांच जन को गिरफ्त कर साप विष जबत हो घटन प्रतिक्रिया रखी एलिफिस जादव कहते जे जो खबर प्रकाश पाई संपूर्ण भूल तांकर कौन सी घटन संप्रति ना समस्त अभियोग विरोध में जहाँ आ सब भित्तिहीन। रेप पार्टी में साप विष मामलें फसी बिग बॉस विनर तथा यूट्यूबर एलिफिस जादव एलिफिस विरोध में आसी साप चोरा चालाणर अभियोग विरोध में मामला रुजू कर नोएडा पुलिस विभिन्न पार्टी आउ क्लब को से साप विष पठाउथिबार अभियोग घरे रेड करा सह रेप पार्टी में पुलिस चढ़ाऊ कर पांच जन को गिरफ्त कर साप विष जबत होपरपक्ष प्रतिक्रिया रखिंट एलिफिस एक भिडियो मध्यम कहते जो खबर गणमाध्यम प्रकाश पाँच ता भूल तांगर घटना रे संप्रति ना विरोध में आसीथिबा सब अभियोग भित्तिहीन से पुलिस को तदंत रे सहयोग करिवे। ए प्रसंग रे अधिक आलोचना करिया पई आम सहित शुभेंदु मल्लिक जोड़ी होती स्नेक हेल्पलाइन रो प्रमुख कर्मकर्ता शुभेंदु बाबू स्वागत। साप चोरा चालाण विषय चोरा चालाणर अभियोग आसी यूट्यूबर एलिफिस जादव विरोध में अवश्य से खंडन करुछंती किंतु पुलिस कहुछि तांगर घरु जबत करा दैछे साप विष रेप पार्टी रे साप विष व्यवहार करा दउछ केमे देखुछंती आपण जे बिरळ वन्य प्राणी भाबरे शेड्यूल एनिमल तांगर विष को रेप पार्टी रे व्यवहार करा दउछ निशा भाबरे व्यवहार करा दउछ। नमस्कार। नहीं सापर विष रो चाहिदा जे आमे ओडिसा रे देखिले किंतु ओडिसा रे आमे विष धरिछे साप विष आमे मधे गिरफ करछे आपण मन थिबो आमे कनक टिफ रे टीम करी गोडी गोडी कनक टिफ गाडी रे मधे आमे डील करथिलु भल अधिकारी बसते धरा जाता भुवनेश्वर से पूरा देश में चवल पकड़ा आम लाइव धरी कैमेरा सामने विश्व राकेट को धरीते तो विश्व आसा जाऊँच कड़े चले सब जगह इतने कथ उठला आप कथा कहे रेप पार्टी को जाऊँच रेप पार्टी तो आम भाया लोक जीवे बड़ बड़ लोक मानक जीवन जो मेरे पैसा अच्छी अधिक पैसा गोटे पार्टी टिकेट मूल्य मैंने अधिक टाइव तो से गला ये यूट्यूबर अच्छा ये यूट्यूबर नु अनेक यूट्यूबर आम बारंबार वन विभाग को अभियोग कर जो मैंने साप धरिकी यूट्यूब कर फेसबुक सोशल मीडिया रे निजर ड्रामा करछंती सेमानन को गिरफ्त करा जो कारण 2014 मसे ऑलरेडी बैन सरलाणी माने वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो तरफ रु मना कराई छी केहि भी खाली साप तने कोनसे भारतीय वन्य प्राणी रो वीडियो बा फोटो सेमानन के पोस्ट कर परबे नहीं किंतु ओडिसा रे कोटे कथा नुवा कथा देखु छी जे जहा करले भी किछ एक्शन हो नै आगुर आमे एक कोनो टीवी रे आमे डिस्कशन आगुर कर छी आपन मन से आपन ओदे थिले से तां करे की बरगडे जने युवक गिरफ्त पैतले ए सोशल मीडिया वीडियो करकी ते ई जो काम हो छी ई सोशल मीडिया माध्यम रे या द्वारा नेटवर्किंग सुविधा होती विश्व कारबार पे सुविधा होती माने आप मुझे सपोज धरली आप मत कंटाक्ट कले आप बाहर लोक जान पारे ये मानक आगे बंद करा दरकार यूट्यूबर मान को आगे जेल पड़े अटोमेटिक सब जगह बंद हो कहीं यूट्यूब जो इनफ्लुएंस कर द्वारा ये जुवपीढ़ी बेसि भ्रमित होती सब जगह तो आप टीवी कैमेरामैन रिपोर्टर नथिबे जे सब जगह हेल्प करेंगे गवर्नमेंट को तो बहुत जगह समस्या सृष्टि होती लोक जानी ना जानक जो मैंने जानी ना ठीक अच्छे आप क्षमा करते जो मैंने जानक भूल कर अधिक दृढ़ कार्यानुषान होगा दरकार। ओके धन्यवाद शुभेंदु बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त मतामत पाए। एपटे एलिफिस जादव एवं वन्य प्राणी संपर्क में सुरक्षा दिगरे काम करुवा मानका गांधी इन प्रतिक्रिया आसी। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलिफिस यादव और मैं सुबह उठा मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है एलिफिस यादव अरेस्ट हो गए एलिफिस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं सारे फेक हैं
1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलवी यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। It's a wildlife crime. See, you must understand, ki cobras, when they lose their venom, they die. Because jo venom hota hai, unko khana digest karne ke liye, bhagwan ne diya, ya srishti ne diya. Jab aap venom nikalenge, to ye kuch kha nahi paate. Aur jab wo kha nahi paate, wo bhook se mar jaate. To aap jab venom nikalte ho, to maan lo ki janwar bhi mar gaya. Aur is desh mein, बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए, इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। जरूर होगा, एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले, इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस है कि ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मंगूस के पूछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग, एक मिनट बेटा, जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है, लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिता। एलवी यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो फरार है।